मोसेतो बहुत धन्यवाद यही आशीर्वाद दुईटा जाक हाथ टिके टेकंतु समस्ते मां भारत माता की जय महाप्रभु जय वंदे बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगणों आगामी 5 तारीख आम समस्त भविष्य निर्धारित हो इलेक्शन टा वोट टा साधारण वोट नुह वोट रे आपण माने समस्ते निर्धारित करिवे आपणंकर कथाटा ओडिशा विधानसभा भवन रे के आपणंकर कथाटा रखिबो मु आपणंकु पछारीबा को चाहूची आजि एही जहां गंधमार्दन पर्वत बंची की अच्छी एही पर्वत को के बंचाई जंती के बंचाई जंती भाई कुनापुर हे के बंचाई की रखी छंती गंधमार्दन पर्वत को केन्दुपत्र काम करूथिबा भाई भौणी मानंकर तांकरो पार्टी को तांकरो आवाज को तांकरो पाई के लड़ाई करूछंती के लड़ाई करूछंती केन्दुपत्र पाई काम पाई दिन राति चासी भाई मानंकर मरुड़ी हौ जे कौनसी परिस्थिति हौ के आपणकर कथाटा को बहुत सुदृढ़ भाव रे रखुछंती के रखुछंती के रखुछंती हेले विधानसभा को किए जीवा कथा किए जीवा कथा किए जीवा कथा जीवा कथा केवल केवल कुन्ना भाई पुरोहित के जीवा कथा कुन्ना पुरोहित कौन सी कथा रे जे मने आसी की चक्रांत चलाई चंती तंको कथा रे तंकरो जहां प्रलोभन थिबो सेथिरे पसिबे नहीं सेथिरे जम्मा पसिबे नहीं ठीक कथा कौन करीबे 5 तारीख दिने 5 तारीख दिने सब काले घर बाहरी की कौन करीबे पद्म फूलों को बटन दबाइबे 5 तारीख दिने सकाळे घर बाहरी की सीधा बूथ को जिबे आओ पद्म फूल पदमपुर रे फुटिबो निश्चित भावे बहुत बहुत धन्यवाद आपन को सामना रे दुईटी कथा रखी दी जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि विधानसभा क्षेत्र में क्या परिस्थिति है लेकिन जब हम सब लोग सुबह रायपुर आए वहां से लेकर पदमपुर आए बहुत सारे लोगों से मिले इससे पहले की सभा में भी लोगों का उत्साह देखा पत्रकारों की राय जानी और यहां पर प्रदीप पुरोहित जी की लोकप्रियता को भी देखा उसके आधार पर मैं यह विश्वास पूर्वक कहने का साहस कर सकता हूं कि 5 तारीख को आप सबका वोट कमल पर पड़ेगा और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो कमल का फूल जीतेगा
और प्रदीप पुरोहित जी आपके विधायक बनकर आपका नेतृत्व करेंगे।